हे गाइस, आज पहली बार मैं हिंदी में वीडियो बनाने वाला हूँ। मुझे एक स्टूडेंट का रिक्वेस्ट आया था कि आप ये वीडियो हिंदी में बनाएं, तो आज पहली बार बना रहा हूँ। अगर कुछ गलती हो जाती है तो माफ़ कीजिएगा। तो आज हम सीखने वाले हैं ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक सिस्टम। तो ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक सिस्टम मतलब कंप्यूटर ग्राफिक सिस्टम में क्या क्या होता है उसके बारे में आज जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या होता है, या फिर कंप्यूटर ग्राफिक्स के क्लासिफिकेशन क्या है। तो दो प्रकार के कंप्यूटर ग्राफिक्स होते हैं, इंटरैक्टिव और नॉन इंटरैक्टिव। इंटरैक्टिव को हम लोग एक्टिव ग्राफिक्स भी बोलते हैं, ऑनलाइन ग्राफिक्स भी बोलते हैं। तो तीन नाम है, इंटरैक्टिव ग्राफिक्स या फिर एक्टिव ग्राफिक्स या फिर ऑनलाइन ग्राफिक्स। तो अभी इंटरैक्टिव ग्राफिक्स का मतलब क्या है? पर्सन इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन द ग्राफिक्स, दैट इज इंटरेक्ट्स विथ हिम, फॉर एग्जाम्पल गेम्स, चैटिंग एक्सेट्रा। इसका मतलब है जिस ग्राफिक्स में आप खुद इन्वॉल्व होते हैं या फिर आप कुछ क्रिया कर रहे हैं और जिसकी वजह से ग्राफिक्स चेंज हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं इंटरेक्टिव ग्राफिक्स। जैसे कि आप कंप्यूटर पे गेम खेल रहे हैं, अगर आप कंप्यूटर पे गेम खेलेंगे और आप सिक्सर मारते हैं तब बॉल सिक्सर की तरफ जाएगा, तो ग्राफिक्स चेंज होएगा आपकी स्क्रीन का। वैसे ही आप किसी के साथ चैटिंग कर रहे हैं या फिर आप कोई टाइपिंग कर रहे हैं, टाइपिंग इज ऑल्सो इंटरेक्टिव ग्राफिक। मतलब अगर आप कुछ टाइप कर रहे हैं तो वो स्क्रीन पे आ रहा है, तो ये इंटरेक्टिव ग्राफिक्स हो गया। अभी दूसरा है नॉन इंटरेक्टिव ग्राफिक्स, या फिर पैसिव या फिर ऑफलाइन ग्राफिक्स। इसका मतलब है पर्सन इज नॉट इन्वॉल्व। जैसे कि आप टीवी पे मूवी देख रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं तो भी मूवी चेंज नहीं होती है, अगर आप नहीं देख रहे तो भी मूवी चेंज नहीं होती, मूवी अपने तरफ से चलती रहती है, टीवी एक्सेट्रा। मतलब आप टीवी शो देख रहे हैं या फिर जिसमें आपका इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी नहीं है, और आपके इन्वॉल्वमेंट से कुछ चेंज नहीं होने वाला है। अगर आप देख रहे हैं या फिर इन्वॉल्व है तो भी वैसा ही सेम चलेगा, नहीं है तो भी सेम चलेगा, तो उसे कहते हैं नॉन इंटरेक्टिव ग्राफिक्स। तो अभी हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ सीजी। एप्लीकेशन ऑफ सीजी मतलब कंप्यूटर ग्राफिक्स के क्या क्या यूजेस है। तो सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, वो है एंटरटेनमेंट। आजकल हम लोग कंप्यूटर ग्राफिक्स किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? हम लोग लैपटॉप यूज़ करते हैं गेम्स खेलने के लिए, बराबर, तो वो आ जाता है एंटरटेनमेंट में। या फिर आप फेसबुक पे किसी के साथ चैट कर रहे हैं, अगेन वो एंटरटेनमेंट में आ जाता है। या फिर टेलीविजन, वो भी एक टाइप का कंप्यूटर ही है जो ग्राफिक्स डिस्प्ले करता है, बराबर, तो वो भी एंटरटेनमेंट में आ जाता है। दूसरा है सिम्युलेटर। अभी सिम्युलेटर का मतलब क्या है कि आपको कोई चीज़ जब बनाने से पहले आपको दिमाग में अगर एक प्लान बनाना है और आपको इमेजिन करना है वो चीज़ कैसी दिखेगी, तो वो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं लेकिन दूसरों को नहीं बता पाएंगे प्रॉपरली, या फिर वो एग्जैक्टली वैसे ही इमेजिन नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए आप क्या करते हैं? सिम्युलेटर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कंस्ट्रक्शंस के मैप बनाने के लिए ऑटोकैड यूज़ करते हैं सिविल इंजीनियर्स, तो उनको पहले से ही वो एक प्लान बना देते हैं और उसको सिमुलेशन में डाल के एक 3D मॉडल बनाते हैं, जिससे दूसरे लोगों को पता चलता है कि वो बिल्डिंग एक्चुअल में कैसे दिखेगी जब वो कंप्लीट होगी, तो उसे कहते हैं सिम्युलेटर्स। तो उसमें कंप्यूटर ग्राफिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा आता है 3D प्रिंटिंग। आजकल के ज़माने में 3D प्रिंटिंग एक नई टेक्नोलॉजी है और बहुत यूज़फुल भी है। तो आपको कोई चीज़ डायरेक्टली प्रिंट करनी है 3D में, जैसे कि आप लोग 3D प्रिंटर्स के बारे में आप खुद सर्च कर सकते हैं उससे क्या क्या प्रिंट होता है। यूजुअली उसमें एक प्लास्टिक का मोल्ड होता है, मोल्ड नहीं होता है उससे एक्चुअली आप विदाउट एनी मोल्ड कोई भी शेप या कोई चीज़ प्रिंट कर सकते हैं या फिर बना सकते हैं, तो है 3D प्रिंटिंग। चौथा है प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स। जैसे कि आज हम लोग यहाँ पे बैठ के कर रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए प्रेजेंटेशन लेके आया हूँ, PPT। पाँचवा है कंप्यूटर आर्ट। तो आपको अगर कोई ड्राइंग बनानी है, कोई आर्ट बनानी है, तो उसके लिए कंप्यूटर ग्राफिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कैड, कैड इज़ कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, तो उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी आप इसमें डिज़ाइन बना सकता है कंप्यूटर में। सातवा है GUI, दैट इज़ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। मतलब अगर आपको कोई एप्लीकेशन है या फिर कोई आपका वेबसाइट है या कहीं भी, वहाँ पे आपको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मतलब आप एक्चुअल में उसको बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। जैसे कि यू कैन ऐड इफेक्ट्स, उसके अंदर आप नए नए इफेक्ट्स डाल सकते हैं। आप गेम्स खेलते हैं, पहले वाले गेम्स कैसे थे दोस्तों, जिसमें ज़्यादा कोई ग्राफिक्स नहीं था, कुछ नहीं था। आपको फॉर एग्जाम्पल स्नेक गेम याद रहेगा या फिर टेट्रिस, बहुत ही सिंपल गेम थे, लेकिन आजकल के गेम जैसे कैंडी क्रश या फिर कोई भी गेम, उसमें ग्राफिक्स कितना इंप्रूवमेंट हो गया। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, इट अगेन कम्स इन एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट में आ जाता है वो। आठवा आता है एजुकेशन एंड ICT। ICT का मतलब है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक। एजुकेशन मतलब जैसे आप अभी कंप्यूटर ग्राफिक्स के स्क्रीन के ऊपर बैठ के ही आप पढ़ रहे हैं, तो एजुकेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में है ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक। इसका मतलब है
कि आप किसी को फ़ोन, आजकल एक फ़ोन में भी कंप्यूटर ग्राफिक्स है, जैसे आपकी फ़ोन की स्क्रीन वो भी एक कंप्यूटर ग्राफिक ही है, तो या फिर ईमेल, हर चीज़ के लिए ये इंपॉर्टेंट है। नवा है वर्चुअल रियलिटी, जैसे आपके पास VR गॉगल्स रहते हैं आजकल, तो उसमें भी कंप्यूटर ग्राफिक्स ही है। 10वां है इमेज प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर विजन, जैसे नाम सजेस्ट करता है, इमेज प्रोसेसिंग मतलब पिक्चर की प्रोसेसिंग के लिए और कंप्यूटर विजन के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, जैसे आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ CG, तो कंप्यूटर ग्राफिक्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है या फिर खूबियाँ है। तो सबसे पहली है, इट हैज़ टू बी इंटरेक्टिव, इसका मतलब है उसे आपको देख के आपको समझ में आना चाहिए कि वो कंप्यूटर ग्राफिक्स में क्या है, क्या चल रहा है, आप उसके साथ इंटरेक्ट कर पाए। दूसरा है, इट हैज़ टू बी यूज़र फ्रेंडली, अगर कंप्यूटर ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वो कंप्यूटर ग्राफिक्स मतलब आपके स्क्रीन के ऊपर क्या है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आपको यूज़ करने के लिए आसान हो तो उसे यूज़र फ्रेंडली कहते हैं, तो वो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। तीसरी है डायनामिक्स, डायनामिक्स में दो टाइप आते हैं, मोशन डायनामिक्स एंड अपडेट डायनामिक्स। अभी मोशन डायनामिक्स क्या है, डील्स विथ हाउ द ऑब्जेक्ट्स इज गोइंग टू मूव, मतलब ये ऑब्जेक्ट या फिर आपकी स्क्रीन के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है वो कैसे मूव करेगा, उसके लिए डायनामिक्स इंपॉर्टेंट है, मोशन डायनामिक्स। अपडेट डायनामिक्स मतलब डील्स विथ वॉट चेंजेस द ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू अंडरगो, तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे चेंजेस के थ्रू जाएगा। चौथा आता है एनिमेशन, तो ये चार चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर ग्राफिक्स में। नाउ वीडियो डिस्प्ले डिवाइसेस, अभी हम वीडियो डिस्प्ले डिवाइसेस की बात करेंगे, उसमें सबसे पहली टेक्नोलॉजी आती है कैथोड रे ट्यूब, तो कुछ इस तरह से दिखती है कैथोड रे ट्यूब, ऑपरेशन ऑफ CRT। तो ये कैथोड रे ट्यूब कैसे काम करती है, ऑपरेशन ऑफ CRT इज़ वेरी सिंपल, ये बहुत ही आसान तरीके से काम करती है। द इलेक्ट्रॉन गन एमिट्स अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन और कैथोड रेज, तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन गन होती है जो इलेक्ट्रॉन की बीम को बाहर छोड़ती है, जिसे हम कैथोड रेज भी कहते हैं। द इलेक्ट्रॉन बीम पासिस थ्रू फोकसिंग एंड डिफ्लेक्शन सिस्टम्स दैट डायरेक्ट इट टूवर्ड्स द स्पेसिफाइड पोजिशन ऑन द फॉस्फोर कोटेड स्क्रीन, इसका मतलब है यहाँ पे कुछ डिफ्लेक्शन प्लेट होती है, डिफ्लेक्शन का मतलब है वो उसे दूसरी तरफ ढकेल देती है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन बीम है उसे एक जगह पे फोकस करने के लिए ये डिफ्लेक्शन प्लेट्स यूज़ किए जाते हैं, और वो फोकस कहाँ पे होता है, फॉस्फोर कोटेड स्क्रीन के ऊपर। क्यों, तो उससे हमारा जब बीम जब स्क्रीन को हिट करेगा तब फॉस्फर एक कलर का स्पॉट या फिर लाइट स्पॉट वहाँ पे इल्यूमिनेट कर देगा, उससे हमें इमेज बनाने में मदद बनेगी। इट रीड्रॉज द पिक्चर बाय डायरेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन बीम बैक ओवर द सेम स्क्रीन पॉइंट क्विकली, मतलब एक इमेज को ऐसे छोटे 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 पॉइंट से बना के बनाया जाता है जोड़ से, तो वो इमेज कंटिन्यूसली स्क्रीन के ऊपर रखने के लिए वो इलेक्ट्रॉन बीम बार बार उसी पॉइंट पे भेजी जाती है। तो ये इस तरह से हमारा कैथोड रे ट्यूब काम करता है। तो ये हमारे कैथोड रे ट्यूब का स्ट्रक्चर है, तो ये है हमारा बेस और ये है कनेक्टर पिंस। तो क्या होता है, ये है हमारी इलेक्ट्रॉन गन, यहाँ से हमारी इलेक्ट्रॉन बीम ऐसे बाहर आती है, और ये जो हमने आपको बताया था फोकसिंग सिस्टम, तो ये एक पॉइंट के ऊपर फोकस करने के लिए ये फोकसिंग सिस्टम और ये डिफ्लेक्शन सिस्टम बहुत ज़रूरी है। तो ये इस बीम को फोकस करता है, और ये वाई डिफ्लेक्ट और एक्स डिफ्लेक्ट जो प्लेट है वो उसे एग्जैक्ट एक जगह पे फोकस करके यहाँ पे पोजीशन करती है, तो इस तरह से हमारी इमेज बनती है। यह है हमारी फॉस्फर स्क्रीन। वट इज अ पिक्सल और पेल, स्मॉलेस्ट एड्रेसेबल स्क्रीन एलिमेंट इज नोन एज पिक्सल और पेल, मतलब जो हमारे स्क्रीन के ऊपर सबसे छोटा पॉइंट होता है या फिर छोटा यूनिट, सबसे छोटा यूनिट जहाँ पे इमेज बनती है, जिससे इमेज बनती है उसे कहते हैं पिक्सल। अभी ये रेजोल्यूशन क्या है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स दैट कैन बी डिस्प्लेड विदाउट ओवरलैप इज रिफर्ड टू एज रेजोल्यूशन, इसका मतलब ये है कि आपकी स्क्रीन के ऊपर कितने पिक्सल्स रहेंगे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हुए बिना, उसको रेजोल्यूशन कहते हैं। नंबर ऑफ पॉइंट्स पर सेंटीमीटर दैट कैन बी प्लॉटेड हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, तो कितने पिक्सल्स, नंबर ऑफ पिक्सल्स प्लॉट किए जा सकते हैं हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली, वो भी काउंट होता है रेजोल्यूशन में। फॉर एग्जाम्पल 1024 बाय 640, अभी 1024 बाय 640 आपने अपने स्क्रीन को देखा होगा, टीवी स्क्रीन को, तो उसका रेजोल्यूशन क्या बताते हैं, 1080p, लेकिन 1080p क्या होता है, 1280 बाय 720, समझ में आ रहा है आपको। तो इट इज़ अगेन हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल,
कि कितने नंबर ऑफ पिक्सल्स या फिर पॉइंट्स वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली प्लॉट कर सकते हैं आप, उसे रेजोल्यूशन कहते हैं। अभी टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन, देर आर टू टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन, दो टाइप के रेजोल्यूशन होते हैं। सबसे पहला आता है इमेज रेजोल्यूशन, उसको हम स्पेसिंग भी कहते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम वन पिक्सल टू नेक्स्ट पिक्सल इज कॉल्ड इमेज रेजोल्यूशन। ठीक है, तो एक पिक्सल और दूसरे पिक्सल के अंदर जितना अंतर है उसे इमेज रेजोल्यूशन कहते हैं और इसे स्पेसिंग भी कहते हैं। दूसरे टाइप का रेजोल्यूशन है स्क्रीन रेजोल्यूशन, नंबर ऑफ पिक्सल्स इन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन। समझ में आया? तो स्क्रीन रेजोल्यूशन मतलब आपके स्क्रीन का रेजोल्यूशन। ये तो इमेज रेजोल्यूशन तो सिर्फ डिफरेंस डिस्टेंस बिटवीन टू पिक्सल्स है, लेकिन स्क्रीन रेजोल्यूशन मतलब आपके पूरे स्क्रीन का कितना रेजोल्यूशन। जैसे अभी हम यहाँ पे देख रहे थे 1024x640, समझ में आया? तो वो है स्क्रीन रेजोल्यूशन। नाउ सम इंपॉर्टेंट टर्म्स कंप्यूटर ग्राफिक्स में, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कौन से आते हैं वो है, सबसे पहले एस्पेक्ट रेशियो। अब ये एस्पेक्ट रेशियो का मतलब क्या है? द रेशियो ऑफ वर्टिकल पॉइंट्स टू द हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स नेसेसरी टू प्रोड्यूस इक्वल लेंथ लाइंस इन बोथ डायरेक्शन ऑन द स्क्रीन। इसका मतलब ये है कि एक रेशियो रहता है आपके वर्टिकल पॉइंट्स का और आपके हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स का। जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि 1024 और 640, तो वो रेशियो जब हम लोग डिवाइड करेंगे 1024 को 640 से, तो आपको कितना रेशियो आएगा? जैसे कि 16:9 होता है या 4:3 होता है, तो वो एस्पेक्ट रेशियो होता है। फ्रेम बफर, द मेमोरी वेर इन द पिक्चर डेफिनेशन इज स्टोर्ड इज नोन एज फ्रेम बफर, ऑल्सो कॉल्ड एज रिफ्रेश बफर। ओके, द मेमोरी एरिया होल्ड्स द सेट ऑफ इंटेंसिटी वैल्यूज फॉर ऑल द स्क्रीन पॉइंट्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो मेमोरी आपके पिक्चर के डेफिनेशन को स्टोर करती है, जहाँ पे आपका पिक्चर का इन्फॉर्मेशन पूरा स्टोर होता है इमेज वो डिस्प्ले होने से पहले, और बार बार उससे इमेज का इन्फॉर्मेशन आपके कैथोड रे ट्यूब तक पहुँचता है, उसे कहते हैं फ्रेम बफर या फिर रिफ्रेश बफर। टाइप्स ऑफ डिस्प्ले, सबसे पहले एक टाइप का डिस्प्ले आता है जिसके बारे में हम लोगों ने सुना है, वो है CRT मॉनिटर। आजकल वो दिखाई नहीं देता, लेकिन पहले लैपटॉप में तो नहीं, लेकिन कंप्यूटर मॉनिटर्स में या फिर टेलीविजन में CRT डिस्प्ले बहुत यूज होता था। तो CRT मॉनिटर डिस्प्ले कलर पिक्चर्स बाय यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ फॉस्फर दैट एमिट्स कलर्ड लाइट। By combining the emitted light from the different phosphors, a range of colors can be generated. The two basic techniques for producing color displays with CRT are beam penetration method and shadow mask method. तो CRT monitor में color display कैसे किया जाता है? उसमें different different type के phosphor use किए जाते हैं, और वो phosphor में जब electron beam hit करते हैं तो उससे अलग अलग color तैयार होता है, और वो color का combination बना के आपको color images दिखाए जाते हैं। तो CRT मॉनिटर में भी दो प्रकार के CRT मॉनिटर होते हैं, एक आता है बीम पेनिट्रेशन मेथड वाला और दूसरा आता है शेडो मास्क मेथड वाला। तो सबसे पहले हम बीम पेनिट्रेशन मेथड वाला पढ़ेंगे। द बीम पेनिट्रेशन मेथड फॉर डिस्प्लेइंग कलर पिक्चर हैज बीन यूज्ड विथ रैंडम स्कैन मॉनिटर। तो बीम पेनिट्रेशन मेथड में हम रैंडम स्कैन मॉनिटर यूज करते हैं। टू लेयर्स ऑफ फॉस्फर यूजली रेड एंड ग्रीन आर कोटेड ऑन टू द इनसाइड ऑफ द CRT स्क्रीन एंड द डिस्प्लेड कलर डिपेंड्स ऑन हाउ फार द इलेक्ट्रॉन बीम पेनिट्रेट्स इन टू द फॉस्फर लेयर। इसका मतलब ये है कि यूजली दो कोट लगाए जाते हैं फॉस्फर के, एक वाला रहता है रेड, दूसरा वाला रहता है ग्रीन। ओके, वो कहाँ पे लगाए जाते हैं? आपके CRT के स्क्रीन के अंदर की तरफ, और जब इलेक्ट्रॉन बीम हिट करती है तो आपको एक कॉम्बिनेशन ऑफ कलर मिल जाता है। अभी वो कॉम्बिनेशन कैसे होता है? अब अगर आपकी इलेक्ट्रॉन बीम थोड़ी स्लो हो तो वो क्या करती है, सिर्फ आउटर रेड लेयर को एक्साइट करती है, उससे आपको लाल रंग दिखाई देता है। अगर आपकी बीम थोड़ी इलेक्ट्रॉन बीम थोड़ी फास्ट हो तो क्या होता है, वो रेड लेयर के थ्रू चली जाएगी और अंदर की जो ग्रीन लेयर है उसको एक्टिवेट करेगी, उससे आपको ग्रीन कलर दिखाई देगा। लेकिन अगर आपकी बीम का स्पीड अगर इंटरमीडिएट है, मतलब मीडियम है, तो उससे क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ रेड एंड ग्रीन लाइट विल बी एमिटेड। मतलब एक रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन, जैसे कि येल्लो या फिर ऑरेंज, ये कलर दिखाई देंगे। ठीक है, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड हेंस द स्क्रीन कलर एट एनी पॉइंट इज कंट्रोल्ड बाय बीम एक्सेलरेशन वोल्टेज। इसका मतलब है कि आपके इलेक्ट्रॉन बीम्स की स्पीड या फिर स्क्रीन कलर किस चीज़ से कंट्रोल होता है, बीम एक्सेलरेशन वोल्टेज से। सो आप वोल्टेज कंट्रोल करेंगे तो आपको आपका कलर कंट्रोल करने को मिलेगा। तो यह है बीम पेनिट्रेशन डिस्प्ले। दूसरी आती है शेडो मास्क डिस्प्ले। शेडो मास्क मेथड में हम रास्टर स्कैन सिस्टम यूज करते हैं, बेसिकली टेलीविजन में। तो
ये टेक्नोलॉजी हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, सीआरटी मॉनिटर्स में, कलर मॉनिटर्स में और टेलीविजन में, बिकॉज दे प्रोड्यूस अ मच वाइडर रेंज ऑफ कलर्स देन बीम पेनिट्रेशन मेथड। तो इसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिलते हैं आपको कलर प्रोड्यूस करने से। तो आपने देखा था बीम पेनिट्रेशन में हमें कितने कलर प्रोड्यूस कर सकते थे, सिर्फ रेड या फिर ग्रीन या फिर ऑरेंज या फिर येलो, सिर्फ चार कलर। लेकिन शेडो मास्क मेथड में हम लोग बहुत ज़्यादा कलर प्रोड्यूस कर सकते हैं। और शेडो मास्क सीआरटी हैज़ थ्री फॉस्फर कलर डॉट्स एट ईच पिक्सल पोजिशन। हमने आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि ये पिक्सल क्या है। तो हर पिक्सल पोजिशन में, मतलब हर छोटे से छोटे यूनिट में हम थ्री कलर डॉट बनाते, तीन कलर के। कौन से? रेड, ग्रीन, ब्लू, RGB, ठीक है। वन फॉस्फर डॉट एमिट रेड लाइट, अनदर एमिट ग्रीन लाइट एंड थर्ड एमिट्स अ ब्लू लाइट। दिस टाइप ऑफ सीआरटी हैज थ्री इलेक्ट्रॉन गन। तो हमने देखा था बीम पेनिट्रेशन में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन गन है, लेकिन शेडो मास्क डिस्प्ले में तीन तीन इलेक्ट्रॉन गन है, हर कलर के लिए अलग सेपरेट वाला इलेक्ट्रॉन गन। ओके, तो उससे क्या होता है कि वो तीन इलेक्ट्रॉन बीम्स भेज देता है, तीन इलेक्ट्रॉन बीम्स और स्क्रीन के बीच में हम एक शेडो मास्क ग्रिड लगाते हैं, जैसे एक जाली होती है, और वो जाली से हम इलेक्ट्रॉन बीम को डिसाइड करते हैं कि वो कौन से पॉइंट पे कहाँ पे आने वाली है ऑन द स्क्रीन, ठीक है। तो इस तरह से दिखता है हमारा सीआरटी इन शेडो मास्क मेथड। तो ये हमारा रेड इलेक्ट्रॉन गन, ये हमारा ब्लू इलेक्ट्रॉन गन और ये हमारा ग्रीन इलेक्ट्रॉन गन। तो इसमें क्या होता है कि हम तीनों बीम्स भेज रहे हैं और ये है हमारा शेडो मास्क, और यहाँ से हम लोग यहाँ पे पोजीशन करते हैं। तो ये एक पिक्सल पोजीशन है जहाँ पे तीनों कलर के बीम्स आते हैं। तो ऑब्वियसली तीन कलर है तो इसके कॉम्बिनेशन अलग अलग बना के हम बहुत ज़्यादा कलर्स बना सकते हैं, और ये है हमारा फॉस्फर स्क्रीन। तो ये इस तरह से हमारा शेडो मास्क सीआरटी काम करता है। अभी हम पढ़ेंगे तीसरे टाइप के डिस्प्ले, वो है डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब। एन अल्टरनेटिव मेथड फॉर मेंटेनिंग अ स्क्रीन इमेज इज टू स्टोर द पिक्चर इन्फॉर्मेशन इनसाइड द सीआरटी इंस्टेड ऑफ रिफ्रेशिंग द स्क्रीन। इसका मतलब क्या है, अगर आपने देखा था कि हम क्या करते थे, रिफ्रेश बफर के अंदर हम हमारी पिक्चर की इन्फॉर्मेशन स्टोर करते थे, उससे भी दूसरा एक तरीका है, हम डायरेक्टली सीआरटी के अंदर ही हमारी पिक्चर की इन्फॉर्मेशन स्टोर कर देते थे। तो उससे क्या होगा कि हमारी इन्फॉर्मेशन को बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा, बार बार वो इलेक्ट्रॉन बीम उसी जगह पर भेजनी नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो अ डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब स्टोर्स द पिक्चर इन्फॉर्मेशन एज अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बिहाइंड अ फॉस्फर कोटेड स्क्रीन। इसका मतलब है कि डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब में हम पिक्चर इन्फॉर्मेशन को एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में रखते हैं, कहाँ पे, फॉस्फर स्क्रीन के पीछे। टू इलेक्ट्रॉन गन्स आर यूज्ड इन DVSTV, इसमें हम दो इलेक्ट्रॉन गन यूज करते हैं। बीम पेनिट्रेशन मेथड में एक इलेक्ट्रॉन गन, बाद में शेडो मास्क सीआरटी में तीन इलेक्ट्रॉन गन, और डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब में हम दो इलेक्ट्रॉन गन यूज करते हैं। अभी दो इलेक्ट्रॉन गन क्यों यूज करते हैं, एक रहती है प्राइमरी गन, तो प्राइमरी गन से क्या होता है हम उसमें पिक्चर पैटर्न स्टोर करते हैं, और दूसरी इलेक्ट्रॉन गन रहती है फ्लड गन, तो ये क्या करती है, वो हमारी पिक्चर को बार बार स्क्रीन के ऊपर भेजती है और कंटिन्यूसली भेजती रहती है, तो इलेक्ट्रॉन्स को बार बार भेजती है पूरे स्क्रीन के ऊपर, जिससे हमारा पिक्चर मेंटेन होता है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ DVST। तो DVST के फायदे क्या है और नुकसान क्या है। एडवांटेज मतलब फायदा ये है कि इसमें रिफ्रेशिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिक्चर तो हम लोग डायरेक्ट हमारे इलेक्ट्रॉन गन के अंदर ही स्टोर कर रहे हैं, तो हमें बार बार रिफ्रेश बफर में जाके क्या पिक्चर डिस्प्ले करना है वो इन्फॉर्मेशन बार बार रिट्रीव नहीं करनी पड़ती। और डिसएडवांटेज मतलब नुकसान क्या है कि DVSTसिस्टम में हम ऑर्डिनरी मतलब हम इसमें कलर डिस्प्ले नहीं कर सकते, हम इसमें यूजली ब्लैक एंड वाइट ही डिस्प्ले कर सकते हैं। और अगर आपको कोई पार्ट उस इमेज का या फिर उस पिक्चर का निकाल देना है या फिर चेंज करना है तो आप नहीं कर सकते। आपको अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो आपको पूरी इमेज निकालनी पड़ेगी और बाद में नई इमेज फिर से लेके आनी पड़ेगी, तो ये है डिसएडवांटेज। तो आप कोई भी इमेज में मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते या फिर कोई पार्ट डिलीट नहीं कर सकते। अभी हम डिस्कस करेंगे फ्लैट पैनल डिस्प्लेज के बारे में। द टर्म फ्लैट पैनल डिस्प्ले रिफर्स टू अ क्लास ऑफ वीडियो डिवाइसेस दैट हैव रिड्यूस्ड वॉल्यूम वेट एंड पावर रिक्वायरमेंट कंपेयर टू अ सीआरटी। तो फ्लैट पैनल डिस्प्ले किसे कहा जाता है, उन डिवाइसेस को जहाँ पे उस डिवाइस की साइज छोटी होती है, उसका वजन कम होता है और उसकी पावर रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। अ सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ फ्लैट पैनल डिस्प्ले इज दैट दे आर थिनर देन सीआरटीज एंड वी कैन हैंग देम ऑन वॉल्स और वेयर देम ऑन आवर रिस्ट। तो एक बहुत बढ़िया फीचर फ्लैट पैनल डिस्प्ले का क्या है कि वो हमारे सीआरटी से बहुत पतले होते हैं और हम उन्हें दीवार पे भी टांग सकते हैं या फिर हाथों में भी पहन सकते हैं। टाइप्स ऑफ फ्लैट पैनल डिस्प्ले, तो किस प्रकार के फ्लैट पैनल डिस्प्लेज है, दो प्रकार के,
सबसे पहला आता है एमिसिव डिस्प्ले। इसका मतलब ये डिस्प्ले है जहाँ से लाइट एमिट किया जाता है। डिस्प्लेस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट, ठीक है। तो ये खुद का इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन करके अपने लिए खुद लाइट का सोर्स बनते हैं। प्लाज्मा पैनल, थिन फिल्म इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट डिस्प्ले एंड लाइट एमिटिंग डायोड, ये तीन प्रकार के एमिसिव डिस्प्ले, ठीक है। और दूसरा टाइप है नॉन एमिसिव डिस्प्ले। अभी नॉन एमिसिव डिस्प्ले और नो एमिटर्स यूज ऑप्टिकल इफेक्ट टू कन्वर्ट सनलाइट और लाइट फ्रॉम सम अदर सोर्स इनटू ग्राफिक्स पैटर्न। अभी इसका मतलब ये है कि नॉन एमिसिव डिस्प्ले में आपको कोई भी इलेक्ट्रिक टू लाइट कन्वर्जन नहीं होता है, तो वो एक्सटर्नल सोर्स से लाइट लेता है, जैसे कि सनलाइट। अगर आपके पास कोई घड़ी रहेगी, डिजिटल वॉच, तो आपने देखा रहेगा कि उसके अंदर लाइट का यूजुअली एक सेपरेट बटन रहता है, जो आप प्रेस करते हैं तो एक सेपरेट बल्ब होता है जो लग जाता है, वो खुद हमारी स्क्रीन ग्लो नहीं करती है, ठीक है। वैसे ही अगर आप धूप में देखेंगे तो ही आपको टाइम दिखेगा, नहीं तो वो टाइम नहीं दिखाएगी, तो उसे कहते हैं नॉन एमिसिव डिस्प्ले। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है लिक्विड क्रिस्टल डिवाइस या फिर LCD। आजकल वो टीवी में भी यूज़ होता है, मोस्टली LED होता है, लेकिन LCD वह भी है, चल रहा है। तो इस तरह से हमारा LCD दिखता है, ये एग्जाम्पल है। और ये है एग्जाम्पल ऑफ लाइट एमिटिंग डायोड या फिर LED। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अगर आपको कुछ कमेंट करना है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आपको कोई और वीडियो हिंदी में चाहिए तो प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू।